नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने गढ़वो नवा भिलाई चरोदा के सूत्र वाक्य के साथ 256 करोड़ का अपना पहला बजट पेश किया। वहीं बजट पर चर्चा के लिए समय की मांग करते हुए विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। चरोदा निगम के महापौर निर्मल कोसरे ने गढ़वो नवा भिलाई चरोदा के सूत्र वाक्य के साथ 256 करोड़ का अपना पहला बजट प्रस्तुत किया। बजट पर चर्चा के लिए समय की मांग करते हुए विपक्ष ने जमकर हंगामा जहां किया, वहीं महापौर निर्मल कोसरे, संतोष तिवारी, वेंकट रमना, मोहन साहू, शारदा लावेश मदनकर, मनीष वर्मा सहित कांग्रेस के सभी पार्षद बहुमत के आधार पर बजट पारित करने की मांग की। वहीं सभापति ने बहुमत के आधार पर सत्ता पक्ष से ध्वनि मत से बजट पारित कर दिया। वहीं इस बजट को लेकर निगम महापौर निर्मल कोसरे और निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, हम लोगों ने किसी भी प्रकार का नया कर का बढ़ोतरी नहीं किया है। क्षेत्र का जो विकास है, विकास सर्वांगीण रूप से होनी चाहिए। क्षेत्र के विकास करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारी परिषद के हमारे MIC मेंबरों ने, हमारे सम्मानित सभी पार्षदों ने सुझाव दिया, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो चीज़ें होनी चाहिए वो होनी चाहिए। और उसके लिए पहले जो इन लोग बजट प्रस्तुत किया करते थे, बजट में जो पूर्व साल में हुआ है उसी को उसमें एक्सरसाइज करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। रोड नाली रास्ता तो बनता ही है, लेकिन इससे भी हट के जैसे सभी सौदाहों को हम लोगों ने रेनोवेट करने के लिए बजट में प्रावधान रखा है, सभी शमशान घाटों का सौंदर्यीकरण करने का प्रावधान रखा है, मल्टी स्पेशलिस्ट जिम बनाने का हम लोगों ने प्रावधान रखा है, विभिन्न जो रेलवे के क्षेत्र में भी है या देवलोदा क्षेत्र है वहाँ आप जाएंगे तो लाइट नहीं लगा, हम लोगों ने सोलर लाइट लगाने का प्रावधान रखा है। आप देखे होंगे कि भिलाई चरोदा में वर्षों पुरानी मांग रही खेल स्टेडियम के, हम लोगों ने खेल स्टेडियम के लिए भी प्रावधान रखा है। चरोदा में हमारे मिनी इंडिया कहा जाए, वहाँ फुटबॉल प्रेमी लोग बहुत रहते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने 4 करोड़ राशि का प्रावधान रखा है। विभिन्न चौक चौराहों में आप देखे होंगे कि आपराधिक गतिविधियाँ भी लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए सभी चौक चौराहों के लिए हम लोगों ने CCTV कैमरे का भी प्रावधान हम लोगों ने रखा है। इसके अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, इसके लिए भी हम लोगों ने बजट का प्रावधान रखा है। वहाँ भी ऑडिटोरियम बने, विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, उनको अच्छा सांस्कृतिक गतिविधियां मिल सके। इनके अलावा विभिन्न वार्डों में जो टेंट लगाते हैं उनके लिए काफ़ी पैसे की खर्च होती है, इसके लिए हम लोगों ने डोम बनाने का भी प्रावधान रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आम जनता का भी जो सुझाव आया, हमारे सम्मानित पार्षदों का भी सुझाव, उन सभी सुझावों को हम लोगों ने शामिल किया है। प्रेस के साथियों के लिए बैठने की व्यवस्था के लिए भी हम लोगों ने प्रावधान किया हुआ है। इनके अलावा भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, गरीब बच्चे हैं या क्षेत्र के जो लोग आते हैं उनको ज्ञानवर्धक पुस्तकें मिले, इसके लिए भी हम लोग ने पुस्तकालय के लिए भी प्रावधान रखा हुआ है। जो वर्ष जो होंगे उस पर आप कैसे मॉनिटरिंग करेंगे ताकि वो साल भर के अंदर वो काम हो, मूर्त रूप में, जमीनी रूप में वो दिखाई दे? देखिए, सारे जो नगरीय निकाय क्षेत्र है, जो स्वनियोजित क्षेत्र होते हैं, साधन संसाधन हमको खुद से करना पड़ता है। जितने भी टैक्स और जितने भी आय के सोर्सेस हैं उनसे ही निगम संचालित होती है। नगर निगम भिलाई चरोदा में 173 छोटे मोटे उद्योग हैं। 22-23 के बजट में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का प्रोग्राम रखा है, जिसको हम लोग अमल कर रहे हैं। इसको प्रधानमंत्री जी बहुत खुश होकर इस प्रोग्राम को खुद ही अमल करवा रहे हैं। तो हम लोग को बोला गया है कि यहाँ कोई पैसे कमी नहीं होगा, आप लोग विकास की गंगा बहाएं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ कोई भी काम को कमी नहीं करेंगे, जनता खुश रहे। और आज की बजट में बहुत अच्छा बजट रहा, जिसमें हमारे सभी सम्मानित पार्षद ने कि सराहना किया है और भाजपा वाले भी इसमें सहयोग किए हैं। हम लोग का बजट है शिक्षा की ओर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोले थे शिक्षा का बजट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, स्कूल को बहुत सुंदर बनाएंगे, स्वच्छ रखेंगे। और दूसरा शिक्षा है तो उसके लिए तो इंटरव्यू के माध्यम से स्वामी आत्मानंद स्कूल में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अच्छे अच्छे टीचर रख रहे हैं, तो वो भी अच्छा पढ़ाई होगा। स्वास्थ्य में हमारे स्वास्थ्य मंत्री तो बहुत अच्छे हैं, स्वास्थ्य की ओर आपका 5 लाख का क्या योजना बोलते हैं उसको, आयुष्मान योजना, वो भी चला रहे हैं। और आगे की और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और कई योजना है जिसको बजट में पेश किया, और अच्छा बजट रहा है। और ऐसा बजट
दूसरा मुख्यमंत्री आज 15 साल रहे उसका नहीं रहा है। महापौर द्वारा बजट प्रस्तुत करने के बाद भाजपा के पार्षद चंद्र प्रकाश पांडे, खिलावन वर्मा, तुलसी ध्रुव, राकेश बंचोर, तुषांत वर्मा, प्रेमलता चंद्राकर, कुसुम चंद्राकर सहित सभी पार्षदों ने बजट पर चर्चा के लिए 2 दिन का समय मांगा, जिस पर सभापति कृष्णा चंद्राकर ने नियम कायदे का हवाला देते हुए समय देने से साफ इनकार कर दिया। वहीं गुस्साए भाजपा पार्षद सभापति की आसंदी के सामने जमीन पर बैठकर नाराजगी जाहिर करते देखे गए। सभापति ने बजट पुस्तिका के अध्ययन के लिए 1 घंटे का समय दिया। वहीं इस बजट पुस्तिका को अध्ययन करने के बाद विपक्षी पार्षदों ने इस बजट को अपूर्ण बताया। देखिए, बजट को लेकर के बजट के लिए हम लोगों को समय नहीं दिया गया। बजट पे हम लोग अध्ययन करके और तब बजट पे हम चर्चा करते हैं। हम बजट पे अध्ययन करने के लिए हम मांग भी किए थे, लेकिन हमारी यहाँ सुनी नहीं गई। अब बजट पे चर्चा हुई है तो वो भी अधूरा हुई है, पूरा चर्चा हो भी नहीं पाई है, समय भी नहीं था। अब बजट पे चर्चा शायद कराना नहीं चाहते हो, तभी वो समय हमको दिए नहीं। रही बात बजट का, जितना समझ में आया उतना मेरे को तो ये समझ में आया कि वही बजट जो है 2022 का जो बजट है वो मृग मिर्चिका के समान है। जैसे गर्मी के दिनों में हिरन प्यासा व्याकुल हो करके और इधर उधर दौड़ती है और जिधर देखती है उधर उसको पानी नज़र आता है, और जैसे फिर वहाँ पे जाती है तो देखती है तो धूल और धूल के सिवा वहाँ पे मिट्टी के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता। सेम वैसी ये बजट है, ये बोलने को कहने को दिखाने को बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन ये नगर निगम भिलाई चरोदा के लिए छलावा है, छलावे का बजट है और ये सिर्फ दिखावे का बजट है। मैं इस बजट का घोर निंदा करता हूँ। बजट में कुछ नहीं है, सिर्फ छलावा दिखावे के सिवा कुछ बजट में नहीं है। हमारी बातों को सुन नहीं रहे थे, इसलिए हमको अपने सदस्यों के साथ में जमीन में बैठना पड़ा और हमारे निगम के महापौर हम लोगों से 3 दिन पहले सुझाव मांगे थे बजट के विषय में। हम लोग सभी सदस्य अपना अपना सुझाव दिए थे, उस सुझाव को भी इस बजट में रखा नहीं गया, इसलिए हम लोग बहुत निराश हैं और निराशाजनक बजट रहा है इस बार। इस बजट तो अभी हम लोग कोई संतुष्ट नहीं, हमारे जितने भाजपा प्रत्याशी हैं, पार्षद हैं, सदस्य हैं, कोई इसमें संतुष्टि नहीं है कोई इस बजट से, क्योंकि इस बजट में महिलाओं, गरीब महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ रखा नहीं है। और जब कोई महिला, हम इस बजट के बारे में चर्चा करना चाहते थे तो पीछे से जो कांग्रेसी पार्षद थे वो हल्ला कर रहे थे, बोलने नहीं दे रहे थे कि बजट पर कोई चर्चा न किया जाए। बहरहाल गहमा गहमी के बीच ये बजट प्रस्तुत किया गया। विपक्षी पार्षदों ने इस बजट को अपूर्ण बताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।